नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। आपने कभी डेस्कटॉप उपयोग किया होगा तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जो उसके यूएसबी पोर्ट होते हैं, दो पोर्ट्स जो कैबिनेट है उसकी आगे की ओर होते हैं और बाकी जो पोर्ट्स होते हैं वो मदरबोर्ड की ओर पीछे की ओर होते हैं। तो आगे पोर्ट यूज़ करना चाहिए या हमें पीछे के पोर्ट यूज़ करना चाहिए? अगर आप आगे पोर्ट यूज़ करते हो तो क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है? अगर आप इसके अलावा पीछे का पोर्ट यूज़ करते हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जो सामने की ओर पोर्ट होते हैं इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। फ़ायदे की अगर बात की जाए तो इजी टू यूज़ है। जैसे अभी मेरे यहाँ पर कैबिनेट रखा हुआ है, मैं एक क्लिक में यूएसबी पेन ड्राइव डाल सकता हूँ, केबल लगा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, इन कुर्सी पे बैठे बैठे मुझे हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, सब मैं एक क्लिक पर कर सकता हूँ, एक हाथ कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है सामने की ओर पोर्ट का। लेकिन हम बात करी जाए नुकसान की, तो वो बहुत ही अधिक है दोस्तों। सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आप कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मेरे फ़ोन है, ठीक है, मोटोरोला का, और मैं इस फ़ोन से इधर कुछ भेज रहा हूँ, 100 GB की फाइल वगैरह भेज रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि जो डाटा है वो फील्ड बहुत होता है, यानी आप कुछ डाटा भेज रहे हो, फील्ड का एरर आ जाए। आमतौर पर एक ऐसा एरर आपने बहुत देखा होगा, इस पर मैंने वीडियो बना रखी हूँ कि फिक्स द डिवाइस हैज़ ए स्टॉपेड वगैरह, ऐसा बहुत बार बार मैसेज आता है। ऐसा इसीलिए आता है क्योंकि जो यहाँ केबल वगैरह लगी होती है ना, वो थोड़ी लूज़ हो जाती है। आप बोलेंगे भाई लूज़ क्यों हो जाती है? देखिए, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ये जो पोर्ट होते हैं ना, ये जो कैबिनेट जो कंपनी होती है वो बनाती है, तो वो कॉस्ट कटिंग करती है और उनको थोड़ा हल्का बनाती है, चीप बनाती है। और जो पीछे के पोर्ट्स होते हैं ना, वो मदरबोर्ड जो उन्होंने बनाया है वो उनका पोर्ट्स बनाती है, इसलिए थोड़ा मजबूत बनाती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो अगर आप एक सस्ता सा कैबिनेट लेते हो तो आपको जो पोर्ट्स है वो इतने अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आप कभी केबल डाल रहे हो, आपने डाल दी डास्टा, आप कुछ बगैर भेज रहे हो, थोड़ी भी तार हिला, कुछ भी ऐसा हुआ, डायरेक्ट आपका डाटा फिल हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी आपको समस्या आती है सामने के पोर्ट की ओर। तो अगर हम दूसरी समस्या की बात की जाए तो आपको सामने और केवल दो पोर्ट्स ही मिलते हैं, एक मिलता है काला रंग का और एक मिलता है हरे रंग का। जो काला रंग का होता है वो यूएसबी 2.0 होता है, जिसकी डाटा भेजने स्पीड बहुत ही कम होती है, और जो दूसरा वाला होता है वो 3.0 वाला होता है, तो उसकी स्पीड थोड़ी ठीक ठाक होती है। यहाँ पर आपको 3.1 या 3.2 दिखाई नहीं देता, जिसके अंदर 10 GB तक की स्पीड से आप भेज सकते हैं, तो सामने वाले पोर्ट्स की स्पीड कम होती है। तो ये सामने वाले पोर्ट की समस्या आपको दिखाई देती है। तो पीछे वाले पोर्ट्स और सामने पोर्ट की स्पीडों का अंतर आता है? तो इसका आंसर नहीं दोस्तों, इनकी स्पीड एक जैसी आती, कुछ भी अंतर आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो आप सामने वाले पोर्ट्स हैं ये भी आपके मदरबोर्ड से ही जुड़ते हैं। तो ये हो गई दोस्तों सामने वाले पोर्ट्स की बात। अब बात की जाए पीछे वाले पोर्ट्स की बात, तो पीछे वाले पोर्ट्स के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये है कि अगर आप पीछे आपके पोर्ट से उसके अंदर अगर डाटा प्रदान भेजते हैं, जैसे मोबाइल का डाटा कंप्यूटर भेजते हैं ना, तो फील्ड बहुत कम होता है। 90% चार्ज है कि आपका जो डाटा है वो फील्ड नहीं होगा। ये मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको 3.1 3.2 वाले पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, तो आप ज़्यादा स्पीड से जो डाटा है वो इधर उधर भेज सकते हैं। ये पीछे वाले पोर्ट्स के फ़ायदे हैं। तो अब बात की जाए दोस्तों पीछे वाले पोर्ट्स के नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अभी जो मेरा कंप्यूटर है ना, ये सब ओपन रखा हुआ है कमरे के बीच बीच, तो मैं तो आसानी से यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन सोचो अगर इस दीवार के मेरा कंप्यूटर सटा हुआ हो तो मुझे ऐसे डालना पड़ेगा, और ये बहुत दिक्कत होती है, इन डालने में बड़ी समस्या आती है, इजी टू यूज़ नहीं है, माथापच्ची आपको करनी पड़ती है। दूसरी नुकसान ये है कि आप अंदाजे से डालने लगते हो, ऐसे केबल वगैरह कभी उल्टा डालोगे, कभी सीधा डालोगे, वापस उल्टा डालोगे। आपने एक मीम देखा होगा, और आपने एक मीम भी देखा होगा, बंदा एक यूएसबी प्लग डाल रहा है, पहले सही डाल रहा था, फिर उसको लगा सही नहीं है तो वो गलत करता है, वापस सही करता है, इस प्रकार डालता है। आपने एक मीम भी देखा होगा। और कुछ लोग ये करते हैं टेबल के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जैसे मेरी ये टेबल है, ये तो ओपन है और यहाँ पर मेरा ये कैबिनेट रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे टेबल नीचे के होता है तो वहाँ पर ये डालने में बड़ी दिक्कत आती है, तो लोग पीछे का पोर्ट्स वगैरह उपयोग नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपने एक और बात देखी होगी, जो पीछे वाले पोर्ट्स हैं ना, उनमें स्पेस बहुत ही कम होता है, बहुत ही चिपके चिपके रहते हैं, तो यहाँ पर सोचो अगर आप एक पेन ड्राइव लगाना है तो कितना मुश्किल कार्य हो सकता है। तो अब दोस्तों सोल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप पीछे वाला पोर्ट्स को अच्छी तरह उपयोग करना चाहते हैं तो आप एक केबल का उपयोग ले सकते हो, अच्छी केबल लगा दीजिए, जैसे आपका मोबाइल है आप उसको पीछे से डाटा भेजना चाहते हैं तो आप पीछे एक केबल लगा दीजिए, उसको जब चाहे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बार बार केबल को निकालना, नहीं, एक बार लगा छोड़ दीजिए। अगर आपके पास एक कैमरा है तो उसके लिए भी केबल लगा दीजिए, उसे जब डाटा चाहे वो ले लीजिए, और जब तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है वो शेयर किया था अगले पोर्ट्स और पीछे पोर्ट्स के बारे में।
आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप अपना सुझाव दे सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। कंप्यूटर संबंधी, इंटरनेट संबंधी ऐसी वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।